तो फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुज्जू कंप्यूटर वाड़ में, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल के बारे में। तो लास्ट वीडियो तक हमने ट्यूटोरियल 16 यानी कि टपल तक कंप्लीट कर दिया है, और आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है ट्यूटोरियल नंबर 17 यानी कि सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 17 सेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी नोट्स पे, जो कि मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करता रहता हूँ। और अभी तो आप सबको पता है कि इसकी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से आप इजीली और एकदम फ्री में डाउनलोड ये नोट्स सारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आगे आपने लिस्ट और टपल वाले वीडियो नहीं देखे तो पहले तो वो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार आप वो देख लेंगे तो इसके बाद आपको ये सेट्स में कुछ ऐड नहीं लगने वाला। तो ये सेट्स हम जल्दी ख़त्म करके निपटाते। तो सेट्स यानी कि क्या, तो आगे वो लिस्ट और टपल में था ऐसा ही इसमें सब कुछ है, यानी कि वो एक डेटा टाइप है, यानी कि वो एक वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन एक नहीं एक से ज़्यादा भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने देखा था कि लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है, टपल में राउंड ब्रैकेट का यूज़ होता है, वैसे ही यहाँ पे सेट्स में कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है। ठीक है, तो हम पहले एक सेट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसएम नाम का एक वेरिएबल लिया है, यानी कि सोशल मीडिया आप कोई भी ले सकते हैं, और इसमें तीन आइटम दिए हैं, इंस्टाग्राम, वाईटी यानी कि यूट्यूब और व्हाट्सएप। तो हम पहले ये बनाते हैं, एक वेरिएबल लिया एसएम, फिर सेट्स के लिए क्या करने का, तो कि कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने का। उसमें मैंने इंस्टाग्राम नाम का एक वेरिएबल लिया, फिर वाईटी नाम का एक वेरिएबल लिया, और फिर लास्ट में व्हाट्सएप नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो अभी मान लो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एसएम, तो क्या पूरा का पूरा एसएम प्रिंट कर देगा। ठीक है, और मान लो हमें एसएम का टाइप पता करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ एसएम। ठीक है, तो वो क्या देगा आपको, क्लास सेट, यानी कि वो सेट है। तो यही सब है, फिर इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो वो ये है अनऑर्डर्ड, जबकि लिस्ट और टपल थे वो ऑर्डर थे, ये है अनऑर्डर्ड, यानी कि आपके जो एलिमेंट है वो फिक्स नहीं है, कि आपने मान लो इंस्टाग्राम जीरो इंडेक्स पे दिया है तो आउटपुट में ये फिक्स नहीं है कि ये जीरो इंडेक्स पे ही आएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक बार करके देखते हैं, यहाँ से मैं टाइप मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमने इनपुट दिया था इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सअप, लेकिन आउटपुट में आया यूट्यूब, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, क्योंकि वो ऑन ऑर्डर है। ठीक है, लिस्ट और टपल की तरह ऑर्डर नहीं है। फिर है अनचेंजेबल, तो क्या, तो कि लिस्ट था वो चेंजेबल था, टपल था वो अनचेंजेबल था। तो यहाँ पे सेट्स भी अनचेंजेबल है, लेकिन थोड़ा सा जो सेट्स वाला अनचेंजेबल था उससे डिफरेंट है। कैसे, तो कि जो टपल वाला अनचेंजेबल था उसमें आप एड रिमूव कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है यू कैन नॉट चेंज आइटम बट यू एड न्यू आइटम। तो ये सेट्स का अनचेंजेबल है, उसमें क्या है कि हम कोई भी आइटम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कोई आइटम को ऐड तो कर सकते हैं सेट्स में। ठीक है, ये याद रखने का आपको। फिर लास्ट में है वो है डू नॉट अलो डुप्लीकेट, तो कि टपल और लिस्ट में वो डुप्लीकेट अलो करते थे, लेकिन यहाँ पे ये डुप्लीकेट अलो नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे, तो मान लो यहाँ पे हमने एक ही एलिमेंट दो बार लिखा है, मान लो व्हाट्सएप में दो बार लिख देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो आउटपुट में देखो ये व्हाट्सएप एक ही बार हमको देगा। ठीक है, आउटपुट में यानी कि डू नॉट अलो डुप्लीकेट सेट, हम पढ़ रहे थे ना जो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में जो हमारा चैप्टर आता था सेट करके, गण परिचय सेट, उसी की तरह ये काम करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एस एम वन इक्वल टू वाई टी वाई टी वाई टी, लेकिन अगर हम प्रिंट करेंगे एस एम वन तो एक ही बार वाई टी हमें आउटपुट मिलेगा, क्यों, क्योंकि डू नॉट अलो डुप्लीकेट इन सेट डेटा टाइप। फिर लिखा है सेट कैन कंटेंट्स ऑल डेटा टाइप, तो वो तो सब में ही था, लिस्ट टपल और सेट में भी वही है कि हम एक ही सेट में इंटीजर भी डाल सकते हैं, फ्लोट भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी डाल सकते हैं, मिक्सर भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है एक्सेस सेट आइटम्स, सेट आइटम्स को हमें प्रिंट करवाने हैं तो हम क्या करवाएंगे, तो कि लिस्ट और टपल में तो हम ऐसे करवा देते कि प्रिंट लिस्ट ऑफ फर्स्ट, लिस्ट ऑफ टू, टपल ऑफ थ्री ऐसे, लेकिन सेट में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इंडेक्स के थ्रू हम सेट में प्रिंट नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि इसकी इंडेक्स फिक्स ही नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि ये अनऑर्डर्ड है। तो हम प्रिंट करवाए तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का, फॉर एक्स इन सम एस एम
प्रिंट टेक्स्ट कैसे, तो हम यहाँ पे एक बार कर के देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखने का, फॉर एक्स, हम यहाँ पे आई भी ले सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है। ठीक है, फॉर आई इन एस एम, और प्रिंट क्या करवा देंगे, आई जो हमने वेरिएबल लिया था, तो इसको हम रन करेंगे तो आई वाई टी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम। ठीक है, फिर क्या है नीचे, तो हम देखते हैं। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया, ऊपर लिखा हुआ है नोट्स में, यू कैन नॉट चेंज द सेट आइटम्स बट यू कैन ऐड सेट आइटम्स। ठीक है, तो हमें कोई भी सेट में आइटम ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, तो एक तो जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं ऐड का, सिंपली हमें लिखना है sm डॉट ऐड। अभी हमें मान लो स्नैपचैट नाम की आइटम ऐड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, sm डॉट ऐड स्नैपचैट और प्रिंट sm, एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से दे देता हूँ कमेंट आउट और इसको कमेंट इन कर देता हूँ। अभी मान लो इसमें हमें स्नैपचैट ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, एस एम डॉट ऐड और इन ब्रैकेट्स क्या लिख देंगे, स्नैपचैट। अभी मैं इसको रन कर दूंगा तो आ गया स्नैपचैट, लेकिन आपको पता है कि सेट है वो अनऑर्डर है, यानी कि इसकी इंडेक्स फिक्स नहीं है, तो स्नैपचैट फर्स्ट में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। ठीक है, फिर क्या है, तो कि और एक मेडल और एक मेथड से आप सेट्स को एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जिसका नाम है अपडेट। तो हमें सिर्फ क्या लिखना है कि मान लो अपडेट में क्या होगा, और एक लिस्ट हम बना देते हैं गेम्स नाम का, जिसमें हम लग देते हैं पबजी, फ्री फायर और WCC2। ठीक है, तो हम पहले तो एक और लिस्ट बना देते हैं गेम्स नाम का, हम एक लिस्ट बना देते हैं, मान लो लिस्ट नहीं सेट सॉरी, और इसमें कौन कौन से आइटम्स रखते हैं, तो कि हम एक दो रख देते हैं पबजी, फिर क्या रख देते हैं फ्री फायर, और फिर रख देते हैं WCC2। ठीक है, अभी हमें अपडेट करना है SM को गेम्स से, तो हम क्या करेंगे, SM डॉट अपडेट और इन ब्रैकेट क्या कर देंगे गेम्स। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा SM को, तो देखते हैं क्या आउटपुट में आता है। तो पहला जो आउटपुट है वो किसका है, या इसका है प्रिंट SM। तो अभी तभी हमने सिर्फ स्नैपचैट ऐड ही किया था और गेम्स का कुछ नहीं था, लेकिन अभी एक और टपल हमने सॉरी टपल ने अभी एक और हमने सेट बनाया गेम्स नाम का और SM को अपडेट कर दिया गेम्स से, तो वो सभी मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर से चलते नोट्स पे देखते हैं और क्या है। तो फिर है रिमूव सेट आइटम्स। अभी रिमूव के लिए चार मेथड्स है अलग अलग, लेकिन चारों में डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। पहली मेथड है रिमूव। ठीक है, तो मान लो हमारे पास, पहले हम इसको डाल देते हैं कमेंट में, हमारे पास इतना है, अभी हमें इसमें से इंस्टाग्राम रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे sm डॉट रिमूव और ब्रैकेट्स में क्या लिख देंगे जो हमें रिमूव करना है, यानी कि क्या लिख देंगे इंस्टाग्राम। अभी मैं मान लो यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ sm को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमें अभी जो आउटपुट मिला उसमें से इंस्टाग्राम रिमूव हो गया है। और दूसरी जो मेथड है वो है डिस्कार्ड। अभी मान लो स्नैपचैट को भी रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, sm डॉट दूसरी मेथड कौन सी है, डिस्कार्ड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जिसको रिमूव करना है स्नैपचैट को, और फिर मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ sm, तो अभी क्या हुआ, स्नैपचैट भी रिमूव हो गया। लेकिन रिमूव और डिस्कार्ड में डिफरेंस क्या है, तो वो यहाँ पे मैंने नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ़ आइटम्स डॉट डज नॉट एग्जिस्ट देन रिमूव विल रेज एन एरर। यानी कि क्या, मान लो इंस्टाग्राम की जगह मैंने कुछ और लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया फेसबुक। ठीक है, sm डॉट रिमूव फेसबुक, लेकिन जो फेसबुक है वो तो हमारे सेट में है ही नहीं, अभी मैं इसको रन करूँगा तो वो एरर देगा। ठीक है, लेकिन डिस्कार्ड में क्या होगा, मान लो इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ, अभी डिस्कार्ड को कॉमेंट इन करके मैं यहाँ स्नैपचैट की जगह लिख देता हूँ FB, जो कि हमारे सेट में नहीं है, तो वो क्या करेगा, एरर नहीं देगा, अगर सेट में नहीं होगा तो रिमूव नहीं करेगा, डिस्कार्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है रिमूव और डिस्कार्ड में, तो डिस्कार्ड यूज़ करना बेटर होगा। फिर नेक्स्ट है पॉप। क्या है पॉप, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे लिखा है रिमेंबर डेट सेट्स आर अनऑर्डर, तो ये तो पता है, सो यू विल नॉट नो व्हाट आइटम्स गेट रिमूव। अभी इसका मतलब क्या कि हमें क्या करना है, पॉप करना है, यानी कि हम यहाँ मान लो डिस्कार्ड की जगह लिखेंगे POP और FB की जगह हमें जो
मान लो इंस्टाग्राम डिलीट करना है, अभी मैं इसको नहीं, हमें कोई इसमें पॉप में कोई देनी ही नहीं है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, sm.pop लिख के पॉप रिमूव कर देना है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या था, ये वाला था स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लेकिन अभी कौन सा एलिमेंट डिलीट हो गया, तो यहाँ से स्नैपचैट डिलीट हो गया। तो पॉप मेथड हमें बताएगा नहीं कि कौन सा एलिमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि हमें ऑर्डर तो मालूम ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यस वो पता कर सकते हैं कि इसने कौन सा जो है वो डिलीट करता है, डिलीट किया है। तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, इस इक्वल टू sm.pop और प्रिंट करवा देंगे एक्स को, तो जो भी उसने डिलीट किया है वो हमें दे देगा, यहाँ दे दिया यहाँ पे स्नैपचैट, ठीक है, तो वो काफ़ी ईजी है। अभी फिर से चलते हैं नोट्स पे, देखते हैं और क्या है आगे। और जो लास्ट मेथड है वो है क्लियर, तो हम लिखेंगे sm.clear और उसके बाद है वो है डिलीट। तो दोनों मेथड एक बार देख लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, पॉप की जगह हमने क्या लिखा है sm.clear, ठीक है, एक्स तो यहाँ नहीं है। अभी मैं इसको रन करूँगा, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। तो अभी देखो, अभी मैं इसको रन करूँगा तो sm तो पूरा ख़त्म हो गया है, तो क्या आउटपुट देगा कि आपके पास एक सेट था लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मान लो हम क्लियर की जगह लग देते हैं, क्लियर को कर देते कमेंट आउट और यहाँ पूरा लिस्ट ही डिलीट कर देते, सॉरी लिस्ट नहीं सेट, तो हमें क्या लिखना है सेट सॉरी del यानी कि डिलीट स्पेस sm। अभी मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा तो वो एरर देगा, क्योंकि वो प्रिंट कहाँ से होगा, वो है ही नहीं, ठीक है, यानी कि हम डिलीट कर सकते हैं इसे, डेल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फिर है लूप सेट्स, तो वो सब आपको पता है। फिर है जॉइन सेट, जॉइन में भी कौन सी मेथड है, तो कि एक यूनियन वाली मेथड है और अपडेट वाली हमने देख ली, वो दोनों मेथड है जॉइन के लिए। फिर ये दोनों मेथड है वो है इंटरसेक्शन के लिए, उसमें क्या है इंटरसेक्शन अपडेट और इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद दो मेथड है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लास्ट में जो सेट की सभी मेथड थे उसको लिस्ट आउट कर दिया है, तो वो आप नोट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी और मेथड है, ठीक है। बस तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है डिक्शनरी के बारे में, बहुत ही मज़ा आने वाला है उस वीडियो में। लेकिन और बार बता दूँ, अगर आपने लिस्ट और टपल नहीं देखे तो पहले वो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी वीडियो में हमने फटाफट सब कुछ निपटा दिया है, तो उसमें मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, टाटा।